हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा टिकटॉक पर हैप्पी दिवाली वीएफएक्स वीडियो आप लोग कैसे बना सकते हो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वीडियोस अभी जो टिकटॉक पर ट्रेंड चल रहा है हैप्पी दिवाली वाली। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एकदम न्यू वर्जन एकदम न्यू करके दिखाऊंगा, जो आप लोग साइड स्क्रीन पर अभी देख सकते हो वो मैंने खुद से बनाई है, अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बनाई है। सो आप लोग कैसे बना सकते हो वो मैं आज आप लोगों को इजी स्टेप्स में कंप्लीट बताऊंगा। सो गाइस, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। और गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि गाइस मैंने बहुत ही लेट कर दिया ये वीडियो अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मैं आप लोगों को इससे भी जल्दी जल्दी जो है मैं आप लोगों को वीडियोज दे दूंगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोगों को वीडियो को शूट करना है, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को वीडियो को एडिट करना है। सो गाइस, वीडियो को एडिट करने के लिए आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप लोग जाकर काइन मास्टर को डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने जो भी वीडियो को अलग से यूज़ की है उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली गाइस, इस प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद 9.16 के फ्रेम को सिलेक्ट कर लो, एंड जिस भी वीडियो को आपने शूट की है उस वीडियो को सिंपली मीडिया के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो के इधर पे ऐड कर लो। सो गाइस, इस वीडियो को मैंने शूट की है कुछ इस तरह से, आप लोग एक बार मैं साउंड को ऑफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो गाइज, ये है मेरा वीडियो, मैंने इस वीडियो को शूट किया कुछ इस तरह से, एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं जो पोज कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज, आपको जैसा मन करे आप लोग वैसा वीडियो को शूट कर सकते हो, लेकिन गाइज आप जब जो भी टी शर्ट को या फिर ड्रेस को आप लोग यूज़ करोगे अंदर पे, वो रेड कलर या फिर ब्लू कलर का होना ज़रूरी है। इस अगर आप लोग एक कलर का टी शर्ट या फिर ड्रेस यूज़ नहीं करोगे सो आपका क्रोमा की बेटर नहीं होगा, एंड आपका वीडियो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने अंदर पे रेड कलर का टी शर्ट को यूज़ किया और बाहर पे ब्लू कलर का, ठीक है। सो गाइस, आप अभी आपको समझ में आ चुका होगा कैसे आप लोगों को कुछ करना है। अभी आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा आगे लेकर चले जाना है जहाँ से आप लोग स्काई इफेक्ट डालना चाहते हो। सिंपल उधर पे चले आओ, बस वीडियो के ऊपर एक बार क्लिक कर दो, कैची के ऊपर क्लिक कर दो, उसके बाद इधर पे आता है थर्ड पे स्प्लिट एट प्लेहेड, सिंपल इसको कर दो। उसके बाद इस लास्ट वाले पार्ट के ऊपर एक बार क्लिक कर दो, उसके बाद कलर एडजस्टमेंट पर जाओ। एक सेकंड गाइस, कलर एडजस्टमेंट पर नहीं, कलर फिल्टर में जाओ, धीरे धीरे स्क्रॉल करो, ब्लू कलर के फिल्टर के ऊपर एक ग्रीन कलर का फिल्टर आता है, सिंपली उसको चूज़ कर लो। उसके बाद फिर से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके कलर एडजस्टमेंट पर जाओ, इसको थोड़ा सा कम, इसको थोड़ा सा ज़्यादा, और इसको थोड़ा सा कम कर दो, कुछ इस तरह से, ठीक है, कर दो। एंड उसके बाद गाइस, आपका वीडियो का जो आसमान है वो पूरा ग्रीन सा हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है, शेयर पर क्लिक करके आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। सो गाइस, एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको कैसे एडिट करना है मैं आप लोगों को कंप्लीट दिखाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, ठीक है। सिंपली गाइस, बैक कर दो, फिर से प्लस पे क्लिक करके 9.16 के फ्रेम को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करो। फर्स्ट में ही ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, तो बैकग्राउंड पे चले जाओ, कोई सा भी एक बैकग्राउंड चूज कर लो, एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। उसके बाद क्या करना है गाइस, जो भी वीडियो को आप लोग डालना चाहते हो अपने वीडियोस के अंदर, सिंपली उसको लेयर पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके वो वीडियो के इधर पे ऐड कर लो। सो मैं ये वाला वीडियो का यूज़ करने वाला हूँ सिंपली। सो गाइस, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, एंड जो वीडियो को अभी अभी आपने एक्सपोर्ट किए सिंपली काइन मास्टर से, उस वीडियो के इधर पर डालने के बाद स्प्लिट स्क्रीन यानी कि इधर पे क्लिक करने के बाद आपको इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। सिंपली आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेकर चले आना है, एक सेकंड गाइस, मैं वीडियो के साउंड को ऑफ कर देता हूँ। थोड़ा सा आगे लेकर चले आना है, ठीक है, और जहाँ से आपका स्क्रीन ग्रीन होगा सिंपली वहाँ से आप लोगों को फिर से इस वीडियो को एक बार किसी के ऊपर क्लिक करके स्प्लिट एंड प्लेहेड कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस, फर्स्ट वाले वीडियो के ऊपर एक बार क्लिक करो, क्रोमा की पर क्लिक करो, इनेबल कर दो, एंड की कलर को आपको इधर पर रेड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस हैप्पी दिवाली वाली वीडियो को सिंपली आपको अपने बॉडी के साथ इसको इस तरह से सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका वीडियो कैसा दिखेगा एक सेकंड आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद गाइस, अभी ये आसमान की तरफ जाएगा सिंपली। सो गाइस, आपको इस वीडियो को भी इधर से जो है कट करना है, यानी कि गाइस स्प्लिट एंड प्ले हेड करना है, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड गाइस, और ये वाला वीडियो फर्स्ट में आ जाएगा सिंपली, इसको थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर देना, एक कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को इधर से आपको फिर से क्रोमा की पर क्लिक करके इनेबल करना है, और गाइस की कलर को आपको इधर पे ग्रीन कर देना है, ठीक है, ग्रीन कर दो,
हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर दो, हो जाएगा। उसके बाद अगर अगर आपका क्रोमा की बेटर तरीके से नहीं होता है, सही से नहीं होता है, सो आप लोग इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हो। ये आप लोग देख सकते हो एडजस्ट में कर रहा हूँ कैसे, सो आप लोग इस तरह से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो वो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को वीडियो के बाद स्टार्टिंग से प्ले करके दिखा देता हूँ गाइस। ये आप लोग देख सकते हो हैप्पी दिवाली, एंड उसके बाद ये आप लोग देख सकते हो आसमान में भी हो रहा है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को सेव करने के लिए शेयर पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो।